नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। देश में कोरोना का टीकाकरण पूरी जोरों शोरों से चल रहा है और केंद्र सरकार ने अपने पूर्वादेशों में कह दिया है कि 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लगवाया जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपको जो वैक्सीन लगने वाली है, अगर वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन हुई तो आपको दुनिया की सबसे महंगी वैक्सीन लगवाई जाएगी, और अगर आप इसे अपना सौभाग्य समझते हैं तो आप गलत हैं। यह आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदर पूनावाला जो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये प्रति डोज में दे रहे हैं, जिसे अगर डॉलर में देखा जाए तो $8 उसकी कीमत होती है, वो पूरी दुनिया में सबसे महंगी है। और ऐसा तब जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन सेंटर हमारे ही भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में है। आपको बता दें, अदर पूनावाला ने सरकार के इस नए नियम आने के बाद कि 1 मई से 18 साल के हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, अपने रेट में बदलाव कर दिए थे और ये कहा था कि राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति डोज में वो कोरोना की वैक्सीन बेचेंगे और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये प्रति डोज में कोरोना की वैक्सीन बेचेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये प्रति डोज का ही प्रावधान रखा गया है, और अपने पूर्व बयानों में अदर पूनावाला ये कह चुके हैं कि 150 रुपये प्रति डोज में भी मैं मुनाफा कमा रहा हूँ। अब सवाल ये कि इतनी महंगी वैक्सीन भारतीयों को आखिर क्यों लग रही है और इसके रेट पर सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। खैर, प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहें तो आपदा को अवसर बनाइए, और ऐसा लगता है कि अदर पूनावाला ने भी आपदा को अवसर बना दिया है। इस टीकाकरण में अभी और क्या क्या देखना बाकी है, ये भविष्य की बात है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश दुनिया की हर ताज़ा खबर के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।